जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दोबारा से हम आ चुके हैं एक और स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। हमारा फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो है ये। आज हम आपको कुछ ऐसा सुनाने वाले हैं कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यार जोक नहीं है, ये बहुत सीरियस कहानी है। आपको पता है हम ब्लॉग में तो चवले शवले मारते रहते हैं, लेकिन अब ये है हमारा रियल टाइम। ठीक दो महीने पहले की बात है। मैं चार दोस्त, तो आप लोगों ने हमें व्लॉग में देखा होगा, मैं, इब्राहिम और मेरा भाई अहमद, और एक साथ हमारे दोस्त और है जिसको हमने बहुत कम लेके आए हैं व्लॉग में, उसका नाम है नबील। दो महीने पहले ना नबील हमें आगे बताता है कि मैंने ना मस्जिद के सामने कोई चीज़ देखी है। हमने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, हमारे घर के पास थी वो मस्जिद। हमने कहा मजाक कर रहा होगा, फजूल झूठ बोल रहा होगा। तो जब हम उसके पास गए मस्जिद के पास हमने जाके चेक किया, कुछ भी नहीं था। हमने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद हम लोग अपने घर चले गए। नबील गया, हमारे चौक में ना दो मेजर ग्रैंड घर हैं मलकों का, अभी आपको बताते हैं। उस दिन इतनी तेज़ आंधी चल रही थी कि दरख्त मुरझा गया और गिर गया, टूट गया। और वो तब एक हादसा भी हुआ था उसमें कि ना बारिश हो रही थी और चौक जो है ना हमारा, उसमें पानी इकट्ठा हो गया था और वो करंट आ गया था, जिसकी वजह से दो बंदे भी मरे थे उसी दिन। तो ना उसी दिन की रात को जो हमारे दो मेजर घर उसके घर की बैक साइड पे, अभी ना मतलब वो घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसके घर की बैक साइड पे जो गली है ना, वो गली बहुत ना तंग सी गली है, बहुत छोटी सी गली है। नबील ने हमें आगे बताया कि मैंने वहाँ पर भी कुछ देखा है, वही आदमी देखा सेम। उसने उसकी रंगो सूरत कुछ ऐसी बताई थी कि उसने सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा हुआ था और उसके क्या नाम है, उसकी आँखों में रोशनी थी। उसके बाद मैं उसके बिल्कुल एग्जैक्ट 5 दिन बाद हम लोग ना लाइनों पे थे, मतलब स्टेशन पे, वैसे टहल रहे थे, थोड़ी रात को वॉक करने निकले थे। हमने अपनी आँखों से वो चीज़ देखी दरख्त पे बैठे हुए। हम लोग उस वक्त भाग के आ गए। ठीक, उसके बाद ना एक दिन बाद हमारे चौक के हमारे दोस्तों ने और बताया कि यहाँ पे और कुछ भी है। तो हमारे दोस्तों, हम लोगों ने ना प्लान बनाया, अब जो भी है ना ये, इसको हमने जब प्लानिंग की कि उसको जाके पकड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ना कुछ वाकयात याद आए यहाँ पे, और वो वाकयात इन्हीं 7 दिनों के अंदर हुए थे, मतलब इसी हफ्ते में हुए थे। देखें, अब जो मैंने जिस तरह का आपको बताया कि ये घर जो था मलक का, वो था अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसके अंदर अब लेबर जो थे ना काम कर रहे थे, दो मजदूर थे ना ऊपर वाली साइड पे, उसको किसी ने धक्का मार के गिरा दिया एक मजदूर को, दूसरे वाले के वैसे शॉट हो गए और वो चला गया, भाग गया। और उसके बाद उसके एक दिन बाद, हाँ ये बिल्कुल एक या दो दिन बाद का वाकया। अब आप अस्टोनिश्ड तो इस बात पे होंगे कि उधर उसके पास कोई था ही नहीं। उसके पास कोई भी नहीं था, और उसका वो उसकी शिफ्ट थी, मतलब जिस तरह शिफ्ट नहीं होती उसकी शिफ्ट थी। जब हम पता उसका लगाया, हम ही पता लगा रहे थे क्योंकि मिस्ट्री सी बन गई थी एक, और हमने इस मिस्ट्री को सॉल्व करना था, पागल थे हम। ठीक है, तो गाइस फिर क्या हुआ कि ना उसके 2 दिन बाद ना ट्रक के नीचे वो बच्ची इतनी छोटी सी बच्ची, उसका हमने भी पता लगाया था क्योंकि वो थी मेरी भाभी की बहन, मतलब जो उसकी मेरी भाभी जो है उनकी जो बहन है उस बच्ची का उन्हें पता चल गया। वो बच्ची ट्रक के नीचे आके मर गई, उसका सर यार नहीं बता सकते, सर उसका कुचला गया बिल्कुल। ट्रक वाला जो था वहाँ, उसने ट्रक छोड़ा अपना, भाग गया, गुम हो गया। उसके बाद जो पता लगा ना उसके घर से, हमें पता लगा कि वो बच्ची उस बच्ची की जो माँ थी ना, उसको हो गया था ट्यूमर और वो मर गई थी, और उसका बाप उसे अकेला घर छोड़ के चला गया था। खैर अब मैं वो वाक्य शुरू करता हूँ जब हम दोस्तों ने अपना प्लान बनाया। हम लोग जब अंधेरी
हम दोस्त थे, 5-6। हम लोग जागे उस घर के जो घर अंडर कंस्ट्रक्शन था उसके पीछे गए, क्योंकि वो ही मेन स्पॉट था, उधर ही सबको नजर आ ही जा रहा था बार बार। हम जब गए, हमने वही अजीब चीज़ देखी भाई। पहले हमने ना कोई चीज़ महसूस की कि हमारे इर्द गिर्द कोई चीज़ थी, उसे हिल रही है, और वो वाकई हिल रही थी। ठीक है, हमारे साथ ये मैंने और लोधी ने और अहमद ने और नबील ने देखी थी एक चीज़। वो मुर्गा था ब्लैक कलर का, रेड उसकी आईज थी, और वो दीवार के आर पार हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा, हम 5-8 बंदे थे, और हमने देखा वही अजीब चीज़। ओहो, फिर हमने उसके बाद दोबारा वहाँ पे आने की कोशिश भी नहीं की। अब वो एरिया बिल्कुल बंद है, और हम वहाँ पे पास भी नहीं आते उसके। इसी के साथ आप वीडियो स्टोरी टाइम एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा तो आगे बताएं। बात जो आपको बताने वाली रह गई है कि ये स्टोरी रियल है, बिल्कुल रियल है, और ये कोई छोटे छोटे नहीं है, बिल्कुल रियल है। आपको घर पे दिखा सकते हैं, आपको व्लॉग में कभी घर दिखाएंगे। अभी तो रात है, सुबह के वक्त दिखा देंगे, क्योंकि रात को उस वक्त बहुत मुश्किल होती है वहाँ। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।